हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल पीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो इस पर हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं और प्लास्टिक्स क्या होती हैं। तो क्लास 7 में आपने जो है वो नेचुरल फाइबर्स को पढ़ा है, ये चैप्टर जो है नेचुरल फाइबर से रिलेटेड था। अब इसमें जो है वो सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से फाइबर होते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जिनको हम बनाते हैं, मतलब मैन मेड होते हैं। ऐसे फाइबर्स जिनको हम नेचुरली नहीं, वो जो फाइबर जो नेचुरल नेचर से हमें नहीं मिलते डायरेक्टली, हम उनको खुद बनाते हैं, चाहे वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए चाहे कैसे ही बनाए, तो उन फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। देखो यहाँ पर कुछ ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि द क्लोथ विच वी वियर, जो क्लोथ है वो हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक्स से बने होते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स के होते हैं। अब ये जो फैब्रिक होती है ना, ये जो फैब्रिक्स है वो आपकी मैन मेड हो सकती है और ये हमारी क्या हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। क्या नेचुरल? तो ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल मतलब यहाँ है मैन मेड, ठीक है। तो नेचुरल मतलब जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रही है, जैसे आप बोल सकते हो सिल्क यहाँ पर अभी दिया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब जो घर में हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें, उनको भी हम जो है वो फाइबर्स से बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो फाइबर्स हैं वो आपके इस पूरे चैप्टर में जो बात करेंगे वो हम आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करेंगे, जो आर्टिफिशियल है मतलब बोल सकते हो आप सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। यहाँ पर ये जो टेबल दी है इसमें आपको टेबल बनानी है। आप यहाँ देखो क्या करें कि नेम ऑफ द आर्टिकल्स और टाइप्स ऑफ फाइबर या नेचुरल, वो नेचुरल है टाइप्स ऑफ फाइबर, वो आपका नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। यहाँ पर आपको लिखना है या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, यहाँ पर आप आर्टिकल्स के नाम लिखें, ठीक है। तो ये काम आपका है, आप इसको कर लेना। कैन ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें ये टेबल को आप कैसे बनाएंगे, तो मैं कुछ नाम दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कॉटन, तो कॉटन क्या है, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर है, क्या है, नेचुरल। अब मैं आपको एक नाम और दे रहा हूँ, आपको हम बात करें यहाँ पर सिल्क की, तो सिल्क क्या है, सिल्क आपका क्या है, नेचुरल है। ऐसे ही आप जो है वो आर्टिफिशियल वाला भी ले सकते हैं, आर्टिफिशियल रेयन नायलॉन है ना, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, तो प्रीवियस क्लासेस मतलब क्लास 6-7 की बात कर रहे हैं, दैट नेचुरल फाइबर्स जो हमारे होते हैं लाइक कॉटन, तो नेचुरल फाइबर्स के जो एग्जाम्पल हैं कॉटन है, वूल है और सिल्क, और भी बहुत सारे होते हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स, जिनको हम नेचुरली हम नहीं बनाते हैं, वो नेचर से बनते हैं। जैसे आपने एनिमल्स ले लिया, आपको पता है वूल जो बनता है वो भेड़ होती है उसके बालों से बनता है ना, तो यहाँ पर जो है वो आपका अब हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लांट्स हैं बहुत सारे नेचुरली, सिल्क वॉर्म हो गया है ना, वो भी एक कीड़ा टाइप का होता है आपका, उससे बनाते हैं। कह रहे हैं द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई द ह्यूमन बींग्स, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये हम बनाते हैं कुछ सम प्रोसेस के थ्रू, वो केमिकल उसमें ऐड करें या नहीं करें, लेकिन आपको जो है वो सिंथेटिक फाइबर जो मिलते हैं वो हम बनाते हैं, वो नेचुरली हमें नहीं मिलते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, इसीलिए हम इनको जो है वो सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो कह रहे हैं कि वॉट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे, नेचुरल और जो आपका नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर बोलें या फिर मैन मेड फाइबर्स बोलें, हम इसी की बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। करें ट्राई टू रिकॉल यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस, ये नेकलेस है, इसमें देखो आप यूनिफॉर्म पैटर्न है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मोतियों के हमने इसमें, यहाँ देखो एक हमने ये इस तरह का पैटर्न बना दिया, तो यहाँ पर ये सारी देखो ये जितने भी हैं सब सिमिलर हैं, सारे मोती के सिमिलर हैं। तो यहाँ भी देखें कह रहे हैं कि नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड की हेल्प से हमने इसको ज्वाइन कर रखा है देखो, और ट्राई टू ज्वाइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, तो ये पेपर क्लिप्स हैं इनको हमने ज्वाइन किया और इस तरह से हमने एक माला टाइप की बना दी, यहाँ पर नेकलेस टाइप का बना दिया। टू मेक अ लॉन्ग चैन बना दी यहाँ पर है ना, इज देर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी है, यस है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये एक इतनी बड़ी जो आपकी जो है नेकलेस है या फिर आपकी ये जो चैन है, ये जो चैन आपने बनाई है, इस चैन में एक खासियत है कि ये जो बनी है वो सिमिलर टाइप ऑफ आप बोल सकते हो कि सिमिलर टाइप के मोतियों से मिलकर बनी है। ये मोती और इस मोती में दोनों क्या सिमिलर है, सिमिलरिटी है,
ये देखो ये वाली पिन जो है वो इस वाली पिन के इक्वल है, मतलब सेम है, सिमिलर है, एकदम यूनिक है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये इसमें क्या है, जब हम सेम टाइप ऑफ कोई भी बोल सकते हो यूनिट है ना, तो सेम टाइप ऑफ यूनिट को जब आप बहुत सारी यूनिट से मिलकर एक लॉन्ग चैन बना देंगे या नेकलेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। आगे चल के आपको उसको यहाँ पर दिए देखो, यहाँ अगर हम बात करें क्या ना, अ सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या हो सकता है, स्मॉल यूनिट्स की चैन भी हो सकती है, चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर, और ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। तो जो स्मॉल यूनिट होती है ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो हम सिंथेटिक फाइबर में यूज करते हैं। अरे मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो इस पूरे को हम पॉलीमर बोल सकते हैं, पूरा एक जो ये नेकलेस है इसको हम एक पॉलीमर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिंगल यूनिट्स मिलकर एक लॉन्ग चैन बनाती हैं, एक बिग यूनिट बनाती हैं। ठीक है, पॉली की अगर बात करें, जैसे पॉलीमर, पॉलीमर का अगर हम इसको डिवाइड करें अगर पार्ट्स में, तो पॉली मीन्स होता है, देखो ये जो हमारा है ग्रीक वर्ड है, तो पॉली मीन्स होता है मेनी, और मर मीन्स होता है यहाँ पर यूनिट्स। ठीक है, मर मीन्स यहाँ पर क्या होगा, पार्ट या यूनिट। तो बहुत सारे पार्ट मतलब मेनी पार्ट्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, और वो सेम टाइप की यूनिट होंगी, रिपीटिंग यूनिट जिसको बोलेंगे। तो इस साथ एक साथ जो बनेगा उसको हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं ना, तो ये हमारा पॉलीमर कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो नेचर में भी आपको बहुत सारे पॉलीमर्स मिलते हैं, जैसे आपका सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, तो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट मिलकर क्या है यहाँ पर सेल्यूलोज बनाती है, सेल्यूलोज हमारा क्या है, पॉलीमर है। अब देखो यहाँ बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टाइप्स क्या है और वो कैसे बनते हैं। यहाँ पर हम बात करें रेयॉन की, तो सबसे पहला हमारा क्या है, रेयॉन नंबर वन। तो यहाँ पर रेयॉन आपका जो फर्स्ट है, अब यहाँ पर दो ये दिया, क्लास 7 में आपने देखा कि सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म, तो जो सिल्क का फाइबर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखो आप कपड़ा बनाएंगे तो कपड़े के लिए जो है आपको फैब्रिक की जरूरत होती है, या आप हाउस होल्ड मटेरियल मतलब हाउस होल्ड बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं उसमें भी आपको फैब्रिक की जरूरत होती है। तो वो फैब्रिक जो है वो बनता कैसे, कहाँ से आता है, तो जो हम अगर नेचुरल फाइबर बात करें तो सिल्क, जो सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर इज अ नेचुरल मटेरियल है, एक नेचुरल फाइबर है, ये कहाँ से आता है, सिल्क वॉर्म से आता है, वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, ये सबसे पहले चाइना में डिस्कवर्ड हुआ और बहुत टाइम तक इसको एक सीक्रेट रखा गया, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। तो जो सिल्क फाइबर से जो फैब्रिक बनती है, सिल्क फाइबर से जो आप फैब्रिक बनाओगे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए हम जो है वो हर किसी को अवेलेबल हो, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये हमारा रेयॉन अवेलेबल नहीं था, रेयॉन से पहले की बात हो रही, तो कुछ ऐसा था कि हम जो है वो थोड़ा सा सस्ता कोई मटेरियल ऐसा बना लें केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जिससे कि उसका जो टेक्सचर हो वो दिखने में कैसा हो, एकदम आपका सिल्क फाइबर की तरह हो, सिल्क फैब्रिक की तरह हो। तो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेक्सचर, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल टेक्सचर, फैसिनेटेड एवरीबडी, कहने की जो इसका टेक्सचर है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबको अट्रैक्ट करता है, सबको अच्छा लगता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। कहने अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल, तो इसीलिए जो है वो इस सिल्क को, जो सिल्क फाइबर है उसको आर्टिफिशियल बनाया गया, मतलब जो है वो हमने जो है साइंटिफिकली बनाने की कोशिश की कि हम सिल्क को, जो सिल्क फाइबर है उसको हम बनाएं और उसको आर्टिफिशियल बनाएं। तो बहुत दिनों तक ये जो है वो रिसर्च चलती रही, और एक टाइम लगभग एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी का मतलब आप मान लो कि 1880s से लेकर 18 मतलब आप बोलो 1899 या टू है ना, यहाँ तक तो 1899 या 2000 आप बोल सकते हो 1900 तक, तो ये जो पीरियड होगा एंड ऑफ 19th सेंचुरी, इसमें आपने जो है वो इसको बना लिया, इसको आपने लैब में बना लिया, लैब में जब बना लिया तो ये फिर हम बड़े लेवल पे इसको प्रोसेस करने लगे। तो साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर, तो कोई एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आर्टिफिशियली बनाया है वो एकदम लगभग 99% से भी ज़्यादा जो है वो सिल्क फाइबर की तरह मैच करती है, उसकी प्रॉपर्टी दिखने में वैसे, उसका टेक्सचर वगैरह वैसा ही होता है। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेंड बाई केमिकल, अब ये बनाते कैसे, तो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं किस पर, वुड पल्प पे, जो वुड पल्प होता है उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे वुड पल्प के ऊपर, ध्यान रखना।
तो हमें रेयॉन कैसे मिलता है? तो रेयॉन हमें जो मिलता है वो कैसे मिलेगा, वुड पल्प प्लस केमिकल। वुड पल्प पर ट्रीटमेंट करेंगे, वुड पल्प पर आप ट्रीटमेंट करेंगे किसका, केमिकल का। तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू, वुड पल्प का केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाते हैं, रेयॉन को यहाँ बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन, या फिर इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, या तो आप रेयॉन बोलो या फिर इसको क्या बोलेंगे आप, क्योंकि सिल्क बना रहे हैं तो उसको हमने नाम दे दिया क्या, आर्टिफिशियल। क्या नाम दे दिया आपने, आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क इसका नाम दे दिया। अब यहाँ बात करते हैं, ऑल दो रेयॉन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स वुड पल्प, हालांकि जो, क्योंकि वुड पल्प जो हमारा है वो क्या है, वुड पल्प जो हमारा है वो क्या है, नेचुरल सोर्स है। वुड पल्प इज अ नेचुरल सोर्स, लेकिन इसको फिर भी हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल सिल्क कहा, क्योंकि हमने इसको केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, और हम मैन मेड बनाया तो इसलिए हमने इसको नेचुरल या आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल सिल्क कह रहे हैं, या रेयॉन इसका नाम दे दिया। ठीक है, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर, इट इज चीपर, ये बहुत सस्ता है देन द सिल्क, जो ओरिजिनल सिल्क होता है उसके तरह दिखता है, बट ये बहुत सस्ता है। कैन बी वूबन लाइक सिल्क फाइबर, तो सिल्क फाइबर की तरह इसको वूबन कर सकते हैं, उसके तरह एकदम कपड़ा बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन द वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको बहुत तरह के कलर में जो है वो हम कलर में जो है वो बना सकते हैं, बहुत सारे कलर्स यूज कर सकते हैं इसमें। रेयॉन इज मिक्सड विद द कॉटन टू मेक, तो अब जो रेयॉन है हमारा, अब इसको हम जो है वो कॉटन के साथ मिलकर बहुत सारे, मतलब अब इसमें डिफरेंट परसेंटेज होगी, सम परसेंटेज उसकी कुछ परसेंटेज, तो दोनों की अलग अलग क्वांटिटी मिलाकर हम जो है वेट शीट बनाते हैं, और मिक्स विद द वूल, वूल के साथ इसके साथ मिलेंगे रेयॉन प्लस, अगर हम रेयॉन प्लस कॉटन को मिलाएं तो क्या बनेगा, वेट शीट बनेगी, ध्यान रखना वेट शीट्स बनेंगी। और अगर हम रेयॉन प्लस आप बनाए, रेयॉन प्लस आप वूल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका कारपेट्स जो आपके फर्श के लिए वहाँ पर फर्श पे हम बिछाते हैं तो उसको हम कारपेट्स कहते हैं। ठीक है, तो रेयॉन प्लस वूल मिलाकर क्या बनेगा, कारपेट बन जाएगा। रेयॉन प्लस कॉटन मिलकर क्या बनाएंगे, बेड शीट्स यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको फोटो दिखता होगा। ठीक है, देखो अगर ध्यान दें इसको नीचे, ये देखें इस फोटो को देखें, तो ये आपका यूज ऑफ नायलॉन, ये नायलॉन फाइबर्स है। और देखो नायलॉन फाइबर्स का अगर आप देखें तो यहाँ पर नायलॉन फाइबर्स आपका बी वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारपेट्स है, तो ये कारपेट जो है, देखो यहाँ पर जो है वेरियस आर्टिकल्स मेड बाय द नायलॉन है ना, तो यहाँ पर जो है वो आपका नायलॉन नहीं होगा, ये आपका जो है देखो हम बना रहे हैं, रेयॉन इज मिक्स्ड विद द कॉटन मेक अ बेड शीट, तो ये बेड शीट्स है आपकी, ये बेड शीट्स, और ये आपके कारपेट है, तो यहाँ पर नायलॉन ना होके यहाँ पर क्या रेयॉन है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, मिसप्रिंटिंग है। तो ये आपका जो है जो कारपेट बना रहे हैं वो आप रेयॉन प्लस आप वूल से मिलकर बना रहे हैं, वूल। ठीक है, और ये आपका रेयॉन प्लस आप जो है वो उसको कॉटन के साथ मिलाकर बनाते हैं। तो आपने आपने देखा ही होगा कि जो बेड शीट होती है वो काफ़ी मतलब कॉटन की तरह होती है। ठीक है, तो कॉटन प्लस उसमें रेयॉन दोनों हम मिक्स करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके रेट भी होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी फिनिशिंग भी होती है। अब सेकेंड जो आपका है, सेकेंड आर्ट सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर, वो आपका क्या है, नायलॉन है। तो नायलॉन क्या होता है, नायलॉन इज अनदर मैडमेड फाइबर इन 1931, ये कब का है, ये आपका 1900 मान लो आप, 1900 के आसपास, 1890 से 1900 है ना, ये लगभग 30 साल के बाद की बात है। 1931 इज वॉट इट इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, तो इसको हमने जो है वो कोई भी, यहाँ पर नेचुरल रॉ मटेरियल क्या था, वुड पल्प था, ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ क्या था आपका, वुड पल्प था, लेकिन यहाँ पर कोई भी रॉ मटेरियल हमने यूज नहीं किया है, फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, इसको हमने कोल से बनाया है, वाटर से बनाया गया, एंड एयर, तो इसके जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कोल, ये याद रखना है आपको, कोल प्लस वाटर प्लस आपका क्या है यहाँ पर एयर, तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर हम बनाते हैं क्या, नायलॉन को बनाते हैं, नायलॉन। ठीक है, अब क्या, इट वॉज फर्स्ट फुल्ली इट इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, फुल्ली सिंथेटिक का मतलब जो कम्प्लीटली जो है वो इंसानों ने यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर कहना है कि नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इसको आप खींच सकते हो रबड़ की तरह, और ये काफ़ी हल्का होता है, जैसे यहाँ पर आप देखें सॉक्स हैं, है ना, ये रोप है, और ये टूथब्रश, ये सब चीज़ें, ये आर्टिकल्स हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये सब किससे बनते हैं, देखो ये आर्टिफिशियल आपका क्या है, देखो आप जो ब्रश जेली यूज़ करते हैं, है ना, टूथब्रश, तो टूथब्रश आप देखो आप किससे बनाए, वो आपका सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। ठीक है, रोप ये आपका हो गया,
अब यहाँ हम बात करते हैं, इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, क्लोथ स्केल, क्लोथ भी हम इससे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लोथ्स भी बनाते हैं। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार शीट्स, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, हो गए, कर्टेन्स हो गई, इन सबको हम नायलॉन से बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। और नायलॉन इज, अब देखें एक मिनट, नायलॉन इज वो हम आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि इज नायलॉन फाइबर इज रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट कैन बी मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग। तो इसका आंसर होगा यस, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं, देखो तो कह रहे हैं कि रैम ऑल्सो, जो जो आपका नायलॉन है, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट, पैराशूट बनाने में इसका यूज करते हैं। देखो पैराशूट की जो ये रोप्स होती हैं और ये जो ऊपर पैराशूट है, ये बहुत ज्यादा, देखिए आपकी अगर मान लो ये कहीं कमजोर हो गई, रस्सी टूट गई, तो क्या होगा, ये होगा कि आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि पैराशूट जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप हाइट पे यूज करते हैं, और अगर आप वहां से गिर गए तो नीचे पता नहीं आप कहाँ गिरोगे जाके, है ना, तो वहां पर आपको इस चीज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर आप जो क्लाइंबिंग कर रहे हैं पहाड़ों पर, तो ये रस्सी जो यूज कर रहे हो आप, है ना, ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कटनी वटनी नहीं चाहिए, पता चला कि पहाड़ से रगड़ रगड़ के वो कट गई तो आपकी जो है डेथ हो सकती है। तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर बताओ, इतनी ऐसी जगह अगर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। पैराशूट एंड रोप्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग, अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रांगर देन अ स्टील वायर। अब आप समझ सकते हो कि जो स्टील वायर होता है उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है, कौन, नायलॉन की जो रोप होती है, नायलॉन रोप जो है वो आपकी स्ट्रांगर है देन स्टील वायर। अब आप समझ सकते हो कि स्टील वायर से ज्यादा स्ट्रांग हुई, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये एक्टिविटी दी गई, यहाँ पर एक्टिविटी में देखो ये इस तरह का एक तराजू दिया है, यहाँ पर थ्रेड हम यूज कर रहे हैं बहुत सारी, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट उसकी हम थ्रेड यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो अगर आप यहाँ देखें तो कॉटन की कर रहे हैं, वूल की कर रहे हैं, सिल्क एंड नायलॉन, तो नायलॉन सबसे ज्यादा कह रहे हैं टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, तो यहाँ पर वेट होगा अलग अलग, ये प्रैक्टिकल है, आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या, बस आपको इतना याद रखना है कि जो नायलॉन है उसकी, नायलॉन से हम रोप्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि नायलॉन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। प्रिकॉशंस में तो क्या देखें, नोट दैट ऑल द थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। ऐसा नहीं है एक को आपने इतना मोटा ले लिया मटेरियल को, कॉटन को, और नायलॉन को आपने बहुत हल्का पतला ले लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसकी जो थिकनेस है वो भी सेम रखना है और लेंथ भी लगभग आपको उसकी सेम रखना है, ठीक है, तभी आप कंपेयर करेंगे, अदरवाइज आप उनको कंपेयर ना करें। तो थर्ड हमारा यहाँ पर, तो पहला हो गया रेयॉन, फिर दूसरा को नायलॉन, अब हम आपको हो गया पॉलिस्टर और एक्राइलिक। तो पॉलिस्टर और एक्राइलिक जो आपका सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि पॉलिस्टर इज अनादर सिंथेटिक, पॉलिस्टर जो हमारा है, देखो पॉली प्लस ईस्टर, ठीक है, पॉलिस्टर या एक्राइलिक, तो इसको ये आपका पॉली प्लस ईस्टर और ये आपका एक्राइलिक है। कह रहे हैं पॉलिस्टर इज अनादर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक मेड फ्रॉम द दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली, तो आसानी से वो रिंकल्ड नहीं होते हैं, वो मुड़ती नहीं है, ठीक है, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, उसको वॉश करना आसान होता है, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो अगर आप ड्रेस मटेरियल बनाएंगे, है ना, तो ये बहुत आसान होता है इसको वॉश करना, धोना, है ना। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, ठीक है, बहुत सारे लोग पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हैं। अगर आप जो है वो ऑनलाइन गूगल पर सर्च करोगे पॉलिस्टर क्लोथ्स, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगी, जिम वगैरह में यूज़ करते हैं, जिम करते समय जाते हैं तो पॉलिस्टर की हम जो है वो टी शर्ट पहनते हैं, उसमें जो ज़्यादातर जो परसेंटेज होती है वो आपकी किसकी होती है, पॉलिस्टर की होती है। अब देखो यहाँ ध्यान देते हैं कि टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर, तो पॉलिस्टर जो आपका है, तो पॉलिस्टर का बहुत सारे टाइप्स हैं, तो पॉलिस्टर में एक होगा आपका टेरिलीन, क्या है, टेरिलीन, तो टेरिलीन इज आ, टेरिलीन आपका जो है वो क्या है, टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फैब्रिक दैट कैन बी वूवन लाइक अदर यार्न, तो इसको हम जो है वो बहुत पतले से फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम उससे क्या कर सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा पेज, तो कह रहे हैं माई मदर ऑलवेज बाइज पी ई टी बॉटल्स। अब यहाँ पर पी ई टी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, देखो आप ध्यान से लिखना, पॉली एथिलीन, क्या लिखेंगे आप, पॉली एथाइलीन, एथाइलीन बोलो उसको, पॉली एथाइलीन
और आपका देखो पॉलीथाइलीन मतलब पीई हो गया ये, और टी फॉर क्या होगा, टी फॉर आपका यहाँ पर हो जाएगा ट्रैप, क्या बोलेंगे उसको, टेरेफ थलेट, टेरेफ थलेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे पॉली इथाइलीन टेरेफ थलेट, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पीईटी की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बोटल्स एंड पेट जार्स, तो इसकी बोटल्स और हम जार्स यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, राइस और शुगर को स्टोर करने की। आई वॉन्डर वॉट पीईटी इज, तो पीईटी क्या, पीईटी इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ द पॉलिस्टर, तो ये भी पीईटी भी है क्या, पॉलिस्टर की फॉर्म। जैसे क्या है, अभी हमने पढ़ा था क्या, टेरिलीन था ना, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, टेरिलीन, ठीक है। तो जो हमने अभी हमने पढ़ा टेरिलीन, तो ये भी एक पॉलिस्टर की फॉर्म है। ऐसे ही पीईटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, इट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, इसको जो है वो हम बोटल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, यूटेंसिल बनाने के लिए यूज करते हैं, फिल्म्स बनाने के लिए यूज करते हैं, वायर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेड ऑफ पॉलिस्टर, तो आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखें आप, पॉलिस्टर का मतलब होगा पॉली प्लस ईस्टर, इट इज पॉलिस्टर आपका इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द केमिकल, तो केमिकल्स कॉल्ड ईस्टर, तो ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स है, तो ईस्टर जो हमारा होता है उसकी बहुत सारी यूनिट से मिलकर, ईस्टर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये होता है शायद, है ना, आई थिंक यही होता है, ठीक है। तो ये आपका ईस्टर का फॉर्मूला है, तो ईस्टर की बहुत सारी यूनिट से मिलकर हम जो है वो पॉलिस्टर बनाते हैं। ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट गिव गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, तो फ्रूट्स लाइक इनकी स्मेल होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीकॉट से यहाँ जो पॉलीकॉट क्या होगा, क्या होगा आपका पॉलीवूल, क्या होगा टेरिकॉट क्या होगा, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ईटीसी, एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। तो यहाँ पर देखें पॉलिस्टर प्लस कॉटन, है ना, ये होगा नहीं होगा आपके यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर प्लस कॉटन, तो पॉलिस्टर प्लस कॉटन ये क्या होगा, पॉलिस्टर प्लस वूल, मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर प्लस वूल। और टेरिकॉट आप देख लें तो टेरिकॉट किसका मिक्सचर होगा, तो यहाँ पर टेरिकॉट भी आप जो कह रहे हैं, आपने अभी पढ़ा, हमने ना क्या पढ़ा था, टेरिलीन, टेरिलीन पढ़ा था ना, तो टेरिलीन प्लस कॉटन, कॉट मीन्स ये आपका हो जाएगा कॉटन, टेरिलीन प्लस कॉटन का हो जाएगा ये मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ बात करें वी वियर स्वेटर्स, तो आपने जो हम लोग जो सर्दियों में स्वेटर वगैरह पहनते हैं या शावल्स, तो स्वेटर एंड शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर, मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल, तो बहुत सारे वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, जो नेचुरल होती है, जो आपकी सिंथेटिक नहीं होती, मतलब नेचुरल, दो दे अपीयर्स अपीयर्स टू रिजेंबल वूल, ऐसा लगता है कि वो आपकी ऊन है, वूल है ना। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्राइलिक, तो एक्राइलिक्स, अब आप समझो कि आपका जो स्वेटर्स होती है, शॉल शॉल है, ब्लैंकेट है, तो उसमें जो वूल लगी होती है नेचुरल वूल, तो वो एक्राइलिक होती है, वो आपकी नेचुरल नहीं होती है ना, मतलब वो नेचुरल भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी है जो आप एक्राइलिक यूज, कौन सा फाइबर होता है वो, एक्राइलिक फाइबर होता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्यों हम यूज कर रहे हैं एक्राइलिक का, क्योंकि जो वूल है आपकी नेचुरल सोर्सेज से, आप जो भेड़ वगैरह से निकलती है ना, तो वो काफ़ी महंगी होती है। वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम द एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, तो अगर आप उसमें जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता लगाएंगे तो उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम होगी, तो आपका वो कम महंगा होगा, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी एक और एडवांटेज होता है क्या, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब बहुत दिनों तक चलते हैं, और वो अफोर्डेबल मतलब सस्ते होते हैं, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर, इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हैं देन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स थोड़े सस्ते महंगे भी होते हैं और इतने ज़्यादा जो है वो ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स इन द क्लास 7। अब कह रहे हैं कि वॉट वॉट डिड यू ऑब्जर्व, ठीक है, वॉट डिड यू ऑब्जर्व। अब यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज मान लीजिए आप, जो आपके सिंथेटिक फाइबर हैं, फाइबर के, वेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर, जब भी आप सिंथेटिक फाइबर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि आपका ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, तो सिंथेटिक फाइबर को जब भी आप बर्न करेंगे, देयर बिहेवियर इज डिफरेंट, उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। तो अगर आप एक नेचुरल फाइबर को आप बर्न करा रहे हैं और एक आप जो है वो सिंथेटिक फाइबर को बर्न करा रहे हैं, तो दोनों में जो
जलने का जो तरीका होगा दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, वो हीट करने पे क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है। मान लो कभी आप जो है वो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहने और आप जल गए, आपके कपड़ों में आग लग गई, क्या होगा, वो सारे जो है वो मेल्ट मतलब चिपक जाएंगे आपकी बॉडी से और आपको बहुत ज़्यादा हार्म होगा उससे, है ना, बहुत सारा नुकसान होगा। तो यहाँ पर ऑफ सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, ये आपके लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स। इसीलिए हम सिंथेटिक क्लोथ जो है वो किचन में या फिर लेबोरेटरी में नहीं पहनते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में भी कभी भी आग लग सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स की वजह से, और किचन में तो आप जानते हैं खाना बनता है, तो इसलिए वहाँ पर आग जो है वो लग सकती है आपके कपड़ों में, और एक बार लग गई तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वूल के कपड़े पहने, तो क्या होगा, अगर आप वूल के कपड़े पहने तो वो बॉडी में नहीं चिपकेगा, जल जाएगा बस, है ना। अभी अगर ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, कह रहे ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ द पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना आप, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है यहाँ पर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए करो कि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए, ठीक है। चलिए कह रहे कि ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाई द नंबर ऑफ प्रोसेस, तो जो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ऐसे नहीं बनते, उसमें बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है, और रॉ मटेरियल्स ऑफ द पेट्रोलियम ओरिजिन, तो पेट्रोलियम के ओरिजिन से बहुत सारे रॉ मटेरियल हम लाते हैं, उन रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर। और जो रॉ मटेरियल पेट्रोलियम ओरिजिन है उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल, मतलब पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। अब कहने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है वो यहाँ पर आप देख लें। कहें इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, रेनी डे क्या है, रेनी डे, वॉट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई। अब आप बताएं कि किस तरह का आप अम्ब्रेला यूज़ करेंगे, क्या आप कॉटन का अम्ब्रेला यूज़ करेंगे, नो। अगर आपने कॉटन का अम्ब्रेला यूज़ किया तो क्या होगा कि जितना भी पानी ऊपर से गिरेगा सब नीचे टपकेगा आपके अम्ब्रेला से, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जो भी पानी अम्ब्रेला के ऊपर पड़े वो सब बह जाए, वो नीचे जो है वो लीक ना हो कभी भी, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर्स पॉसेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, तो जो आपके सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी ये यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, इसीलिए हम इससे बहुत सारे ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, और क्यों, क्योंकि ये बहुत आसानी से जो है ड्राई हो जाते हैं। अब देखो कप पानी जो है वो अम्ब्रेला भीग जाएगा आपका, और उसमें 99% पानी रुकता ही नहीं, और जो 1% रुकेगा तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। कह रहे लेस एक्सपेंसिव, ये क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं बहुत आसानी से, सूख जाते हैं, और ये ड्यूरेबल होते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, रीडली अवेलेबल और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, एंड इजी टू मेंटेन, उनको मेंटेन करना भी आसान है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ। अब आप एक चीज़ मुझे बताएं, आप दो शर्ट बना रहे हैं, एक आप जो बनाए वो सिंथेटिक फाइबर की बनाए, एक कॉटन की, तो कॉटन के कपड़े को आप पहनेंगे ना विदाउट प्रेस, विदाउट आप इस्त्री, विदाउट आप उसको आयरन करे हुए नहीं पहन सकते, है ना, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी क्या सिमटे आ जाते हैं, सिमट जाता है वो, है ना, इसलिए आपको जो है वो उसमें आपको आयरन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है वो जो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े अगर पहनने तो उसमें प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अभी एक्टिविटी की बात करें, कह रहे हैं टेक टू क्लोथ अ पीस ऑफ सेम साइज रफली हाफ ऑफ द हाफ मीटर स्क्वायर, है ना, वन ऑफ द शुड नेचुरल फाइबर, वन क्या है, नेचुरल फाइबर है, द अदर वुड बी अदर कुड भी, एक नेचुरल फाइबर है और दूसरा क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स का है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का है। तो यहाँ पर यू कैन टेक हेल्प विद योर पेरेंट्स ऑफ सिलेक्टिंग दीज पीसेज, सोक द पीसेज ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर एंड आफ्टर फाइव मिनट्स स्प्रेड देम द सन फ्यू मिनट्स, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर। आप बताएं कि एक आपके पास जो है वो नेचुरल फाइबर है, मान लो कि कॉटन है ना, दूसरा आपका कौन सा सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा है, और आपको ध्यान रखना है कि जो सिंथेटिक फाइबर का आप कपड़ा ले रहे हैं वो दोनों सेम साइज का होना चाहिए। मान लो यहाँ पर इतना है, मान लो इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और इसका भी कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, इसको आप एक सेम अमाउंट के वाटर में आप इसको क्या कर दें, सोक कर दें, है ना, इसको डुबो दें, इसमें आपने डुबो दिया
और निकालने के बाद आप जो है वो इन कपड़ों को सुखा दें। कहाँ पर? इन कपड़ों को आप सुखा दें, ठीक है, यहाँ पर मतलब बाहर धूप में, और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप देखें कि किसमें ज्यादा वाटर की, कौन सा गीला कपड़ा है ज्यादा, है ना, जिस जो ज्यादा गीला होगा वो उसमें आपकी वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी। करें डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक। ऐसा क्यों? तो जो नेचुरल फैब्रिक है, जो आपका सिंथेटिक फाइबर है ना, तो सिंथेटिक फाइबर क्या करेगा, वो वाटर को कम क्या करेगा, कम आपका सोक करेगा, वाटर को कम सोक करेगा, मतलब वो उसको वाटर को ज्यादा लेगा ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं करेगा, है ना। जब वो वाटर को सोक नहीं करेगा, जब सोक ही नहीं करेगा तो वाटर उसके अंदर होगा नहीं और आसानी से सूख जाएगा। क्या व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो वाटर को कम सोक करते हैं, कम जो है वो कंज्यूम करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। तो जो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, वो लेस कॉस्ट होती है उनकी, मेंटेनेंस उनका आसान है, और कम आपको जो है वो नेचुरल फैब्रिक्स का इसके कंपेयर में ज़्यादा होता है, इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स यहाँ रह गए हैं वो हैं प्लास्टिक, और इसके बाद वाला पोर्शन ही छोटा सा आपका चैप्टर है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखो जो भी मैंने आज पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो है वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी सोशल मीडिया पर आप इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती के अहमद, साइनिंग ऑफ।